हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता, वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद के। राजस्थान नौकरी से सिकंदरा औरैया जा रही मजदूरों से भरी डीसीएम स्टेयरिंग फेल होने से डीसीएम पलटी, 6 मजदूर घायल, 3 की हालत गंभीर हॉस्पिटल में। फिरोजाबाद जिला के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के नेशनल हाईवे नौशारा के पास टॉक राजस्थान से सिकंदरा औरैया जा रहे मजदूरों से भरी डीसीएम पलटी, 6 मजदूर घायल, 3 की हालत गंभीर, पुलिस ने कराया हॉस्पिटल में भर्ती। राजनारायण माहेश्वरी जिला संयुक्त चिकित्सालय में कराया भर्ती। पानी में गाड़ी में पानी नहीं होती है। और पैर उठा कर लोग घायल आए हैं सर, क्या मामला है? ये कुछ यात्री लोग थे जो राजस्थान के टोंक जिले में कार्य करते हैं और ईद मनाने के लिए अपने घर जनपद औरैया जा रहे थे। तो बताते हैं कि जो डीसीएम टोयोटा था उनका स्टीयरिंग फेल होने के कारण वो पलट गया और ये 6 लोग जो है चोटिल हो गए। तो यहाँ लाए गए हैं तो इनका उपचार किया गया है और एक लड़के को जो है उल्टी हो रही है, तो लग रहा है कि कहीं दिमाग को चोट ना हो, तो उनको फिरोजाबाद के लिए रेफर कर रहा है। जन घायल लेकर आए हैं आप, क्या मामला था? ये मामला जो है, हम नौशेरा पुल पे तरफ से आ रहे थे, उधर आगरा की तरफ से आ रही थी डीसीएम वाहन, उसमें जो है 6 व्यक्ति बैठे हुए थे और स्टेयरिंग जो है फेल हो जाने से गाड़ी ओवरब्रिज पे जा चढ़ी, जिससे 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका ट्रीटमेंट सुकाबाद में चल रहा है, भर्ती करा दिया गया है। इसमें नंबर 1 है समीर सनाब साविर, निवासी सिकंदरा, जिला औरैया। दूसरा है समीर सनाब अफजाल, निवासी सिकंदरा औरैया। तीसरा है सोनी सनाब अफजाल, निवासी सिकंदरा औरैया साविर। चौथा है साविर सनाब नफीस, सिकंदरा औरैया।